हॉकी में द्रोणाचार्य अवार्डी रोमेश पठानिया का हमीरपुर में विभिन्न खेल संघों के द्वारा सम्मान किया गया। खेल विभाग कार्यालय में आयोजित सादे समारोह में रोमेश पठानिया को जिला खेल अधिकारी के द्वारा शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोमेश पठानिया ने कहा कि युवाओं को हॉकी को प्रोफेशन के तौर पे अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार हॉकी को उठाने के लिए आधारभूत ढांचों मुहैया करवाएगी तो हिमाचल से कई अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं। और आज यहाँ बुलाने पे पटियाल जी और अपने साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत प्राउड फील कराया है कि जो अवार्ड है छोटानी इतने हिमाचल के लिए बहुत प्राउड की बात है। मेरे लिए मैं तो एक छोटा सा हूँ, बीच में हूँ, बाकी मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है और आशा करता हूँ कि आगे जो हिमाचल की हॉकी है वो और आगे जाएगी और कई द्रोणाचार्य निकलेंगे हिमाचल से। रमेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल में केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान है और वो भी सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि खेल मैदान मिलने के बाद से हिमाचल के युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग को सुधारा है और अच्छे परिणाम अब सामने आ रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसको एज ए प्रोफेशन लिया और मुझे मेहनत करनी पड़ी। प्रोफेशनलिज्म जब तक नहीं आएगा तो हॉकी नहीं आएगी। क्रिकेट टोटली प्रोफेशनल है, वो जो भी प्लेयर खेलता है वो यही खेलता है, सोच के खेलता है कि मेरा लाइफ जो है वो क्रिकेट के लिए, मैं इसी से मेरा कैरियर बनेगा। लेकिन हॉकी में ऐसा नहीं है, हॉकी में जॉब तो बहुत सारी हैं, चाहे बाहर चले जाओ दूसरी स्टेटों में। थोड़ा गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा, गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करे, जैसे हॉस्टल वगैरह खुले हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। एस्ट्रो ट्रॉफी नहीं है, सिर्फ एक एस्ट्रो ट्रॉफी, वो भी श्री, मेरी बात हुई श्री अनुराग जी से और उस टाइम धूमल जी चीफ मिनिस्टर थे हमारे, तो उनकी मेहरबानी से वो एस्ट्रो ट्रॉफी लगी, नहीं तो हमारे पास एस्ट्रो ट्रॉफी नहीं थी। और उनके इस एफर्ट से 2011 से लेकर 2016 तक हमारी हिमाचल की जो यूनिट रही थी टॉप 8 में रही और टॉप 4 में आई। लड़कियाँ पिछले साल हमारी विनर हुई सब जूनियर की, तो ऐसी बात नहीं है, इम्प्रूवमेंट हो रही है लेकिन एकदम नहीं होगी। रमेश पठानिया ने कहा कि युवा फिजिकल फिटनेस के लिए भी हिमाचल के युवा तैयार हैं, लेकिन युवाओं को सही ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी बेहतर खिलाड़ी हैं। स्ट्रेस करूँगा कि स्पोर्ट्स जो है वो प्रोफेशनल हो, जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा बात नहीं बनेगी हमारे लोगों का। थोड़ा सा जो हिमाचली है वो यही सोचते हैं कि 10 मैट्रिक कर ली या प्लस टू कर लिया तो फौज में चले जाए, उसके लिए फिटनेस करते हैं। अगर उनको थोड़ा सा डायरेक्शन दी जाए कि फौज के लिए तो फिट हो ही जाएंगे, स्पोर्ट्स मैन है वो फिट ही होता है, तो थोड़ा सा इनको डायरेक्शन दी जाए तो शायद अच्छे रिजल्ट मिल जाए। वहीं रमेश पठानिया ने मलाल जताते हुए कहा कि हॉकी के लिए जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही है, जबकि क्रिकेट में खिलाड़ियों को अधिक पैसा मिल रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार को भी अन्य राज्यों की तरह हॉकी में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी के अलावा अन्य सुविधाएं देनी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट में पहले हो गया वो प्रोफेशनल है, उनकी बहुत सी प्लानिंग है, पैसा खुल के आता है, खुल के लोग लाइक बहुत करते हैं। हॉकी में हमारी अभी कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल भी है 2, इसमें क्या नाम है उसका, अपना एशियन गेम में हमारे गोल्ड हैं। लेकिन अपनी जूनियर जो लड़की मैं जिसका कोच भी था वो ब्रॉन्ज मेडल है वर्ल्ड कप में, लेकिन उतने उनको जो माइलेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। है पैसा अभी इस गवर्नमेंट ने अभी बहुत पैसा बढ़ा दिया, जैसे हम अवार्डी हैं जिनका 5 था उनको 15 कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का 25 लाख कर दिया, तो बढ़ा तो रहे हैं। हॉकी में भी पैसा है, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। डायरेक्ट SP देखो पंजाब में ले लो आप, मेरे चार स्टूडेंट डायरेक्ट DSP हुए, हरियाणा में 2 डायरेक्ट DSP हुए। मैं अपनी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी कितने हुए वो अलग बात है। तो हिमाचल को भी करना चाहिए, अभी राजस्थान में
जो भी लड़का या लड़की कोई भी मेडल आएगा स्कूल नेशनल में लाएगा, सब जूनियर नेशनल लाएगा, जूनियर नेशनल, उनको उसको डायरेक्ट इमीडिएटली नौकरी देंगे। तो ऐसे इंसेंटिव देंगे, पैसा देंगे, तो नेचुरली स्पोर्ट्स आएगी। क्रिकेट में यही है, क्रिकेट में और क्या है।